हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बच्चों के बुखार के बारे में। सीज़न जो चल रहा है मॉनसून का, यहाँ पर आप देखोगे बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और उसमें सबसे पहले फीवर का आना, सर्दी जुकाम और खांसी, ये कॉमन सिम्टम है। तो अभी मैं आज के टॉपिक में फीवर पे बात करूँगी कि बच्चों में फीवर जो होता है उसमें किस तरह से केयर करें, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए और कब हमें डॉक्टर की तरफ सीक करना है, है ना। कई बार पेरेंट परेशान हो जाते हैं कि क्या टेम्परेचर है या क्या सिम्टम आ रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें घर में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फेज़ है ये COVID-19 का भी फेज़ है और यहाँ पर सिम्टम्स जो है कई बार मैच भी कर सकते हैं कोविड के साथ। तो एक तो हमें डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए कोविड में और एक इन्फेक्शियस फीवर में। जैसे इन्फेक्शियस फीवर चलता है वायरल बैक्टीरियल, और ये जो कोविड है आप देख रहे हो कोविड क्या है, एक इन्फ्लामेटरी फीवर है। तो इन दोनों में एक तो हमें डिफरेंस आना चाहिए, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुझे फटाफट फॉलो कर लें, एंड अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर लें आप अपने आप को, एंड लाइक एंड शेयर करें वीडियो, ताकि ये जो हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं ये मैक्सिमम पॉपुलेशन को हेल्प करें, क्योंकि कई बार सब लोगों को पॉसिबल नहीं हो पाता डॉक्टर तक पहुँच पाना और पहले से चीज़ों को समझना। तो डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले अगर चीज़ों को आप काफ़ी समझ जाओगे तो आपके लिए चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और कॉम्प्लिकेशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मानसून का सीज़न आया है यहाँ पर फीवर का आना कॉमन है। बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ा कम होती है, तो जैसे ही वेदर में चेंज होता है, अभी हॉट था, एकदम से गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था, और कहीं ना कहीं जो बारिश हुई 3 से 4 दिन तक वो एकदम वेट वेदर हो गया या डैम्प बना हुआ है, तो आप देखोगे इस सीज़न में जैसे ही चेंजेस होते हैं बच्चों को सबसे पहले इफेक्ट होता है, बूढ़ों को भी होता है पर बच्चों को भी इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और इसमें सबसे पहले उन्हें फीवर आने लग जाता है, बुखार आने लग जाता है। तो हर माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए कंसर्न का पॉइंट हो जाता है कि बच्चे को बुखार क्यों आ गया। तो अभी COVID-19 का भी फेज़ है, तो उसमें से हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों में अगर फीवर आ रहा है तो एक तो आप डिफ्रेंशिएट करना जाने। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको समझिए आप, जो थर्मामीटर होता है अगर आप देखोगे तो उसमें 98.6 फ़ारेनहाइट पर अगर दिखा रहा है तो इट इज़ नॉर्मल। कई बार क्या होता है कि बच्चों की जो बॉडी है वो गर्म लगती है, हीट लगती है, वो क्यों होता है कि बच्चे जो है माइलस्टोन फेज में होते हैं, डेवलप करते हैं बच्चे, है ना, उनका डेवलपमेंट होता है तो एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। कई बच्चे आप देखोगे, लगभग सारे ही बच्चे एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे बैठ रहे हैं, तो बॉडी में हीट जनरेट होती है, एनर्जी का ज़्यादा यूज़ होता है, तो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है मेटाबॉलिक वो बढ़ती है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। कुछ बच्चों में हीट नॉर्मल रहती है, अगर थर्मामीटर में टेम्परेचर दिखा रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट इट इज़ नॉर्मल, इसको आप पूरी तरह से नॉर्मल समझिए। इससे ऊपर का अगर कोई भी टेम्परेचर लाइक 99 या 100 तो वहाँ पर कंसर्न की बात होती है। उसमें भी अगर 100 से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, 100 से अधिक जा रहा है या 100 बना हुआ है तो बहुत परेशान होने की जगह आप ये ध्यान रखें कि इसमें हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ेगा अगर 100 से ऊपर का बुखार आ रहा है। 99 है तो आप घर पर ही रहकर बच्चे को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके, हम होम्योपैथ कुछ प्राइमरी रेमेडीज़ हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, एलोपैथ्स हैं वो अपनी अलग रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस बेसिस पे कुछ जो एक्यूट रेमेडी हैं जैसे एकोनाइट है, बेलाडोना है सडन चेंज के लिए, एलियम सीपा है, दलका मारा है, रस्टॉक्स, देर आर सो मेनी रेमेडी जो ये डैम्प सीजन और ये वेट वेदर में सीपिया है ये बहुत अच्छा हेल्प करती है, नक्सवॉमिका है। बट ये रेमेडी हम कब करते हैं, सिम्टम के आधार पर, ऐसा नहीं कि चार रेमेडी का नाम बता दिया हमने तो आपने उठा लिया। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होम्योपैथी में, थोड़ा आपको ये अपने डॉक्टर से ही बात करनी पड़ेगी। तो पहले से ही आप डॉक्टर से चर्चा कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपके बच्चे को कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उस आधार पर आप सिम्टोमेटोलॉजी डॉक्टर को बताकर आप मेडिसिन ले सकते हो। तो आपने अगर 99 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, 100 या अबव, तो वहाँ पर डॉक्टर की सलाह पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि फीवर के साथ साथ बच्चों को क्या हो रहा है, चाहे इस सीज़न में या किसी भी होने वाले सीज़न में, चेंज ऑफ वेदर में, जब भी मौसम चेंज होता है वहाँ पर आपने ये ध्यान देना है कि मेरे बच्चे को बुखार के साथ साथ और क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्या बच्चा लेथार्जिक हो गया है? लेथार्जिक मतलब एकदम थका हुआ, चुपचाप लेटा हुआ है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, एकदम थकान है उसे, वीक फील कर रहा है, तो लेथार्जिक है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर हमेशा आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि खेल कूद रहा है क्या, तो फर्स्ट इज आप देखें बच्चा एक्टिव है कि नहीं।
दूसरा आप उसकी एपेटाइट देखेंगे, खान पान जो है उसका, खाना है वो सही से खा रहा है या खाना भी छोड़ दिया है उसने। अगर उसने खाना छोड़ दिया है, वो एक्टिव नहीं है, तो ये कंसर्न की बात है। इसमें आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर आगे सलाह मशवरा करना पड़ेगा और फिर आगे ट्रीटमेंट या जो भी लाइन ऑफ मॉडल ट्रीटमेंट है वो डिसाइड होगा। इसके बाद आपको देखना है कि बच्चे की बॉडी में कोई अनयूजुअल सिम्टम तो नहीं आ रहे, जैसे बच्चे में एकदम कपकपी तो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा शरीर के अंगों में, या फिर शरीर के किसी भी भाग में रैशेस तो नहीं आ रहे, इरप्शंस आने लगते हैं, छोटे छोटे रेडिश इरप्शंस हो सकते हैं, दाने जिन्हें बोलते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दाने शरीर में आ रहे हैं, किसी भी पार्ट में आ सकते हैं, आर्म्स में आ सकते हैं, पेट में आ सकते हैं, लोअर लेग में आ सकते हैं, इस सीजन में इस तरह के इरप्शंस आते हैं, या फिर बैक पोर्शन में यहाँ पर बच्चों को दाने आ सकते हैं, इरप्शंस आ सकते हैं, तो इसे आपको ऑब्जर्व करना है। साथ में आपने देखना है कि बच्चों का जो बुखार है कई बार सिर में चढ़ जाता है, सिर में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और उस वजह से कन्वल्जन्स आने लगते हैं, झटके जिसे बोला जाता है। तो बच्चों को अगर झटका आया है, एक भी झटका आया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की तरफ लेके जाना है, डॉक्टर के पास। देखिए झटका मेनली कब आता है, जब बॉडी का टेम्परेचर 100-103 से ऊपर चला जाता है, 104-105 इस तरह का टेम्परेचर, या फिर कुछ माता पिता इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे को बुखार आया, उसे कंबल पे कंबल उड़ा के रख दिया, ढेर सारे कपड़े पहना के रख दिए कि ठंड ना लग जाए करके, तो दिस इज़ रॉन्ग। इस पर भी क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, हीट कपड़े उड़ाने से क्या हो रहा है, अगर आप कवर करके रखोगे तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, गर्माहट होती है, उस गर्माहट से जो बॉडी का टेम्परेचर कहीं 100 ही था बुखार, वो 104 होने लग गया। यस, क्योंकि आप एकदम से उसको कवर करके रखा आपने, उसकी जो बॉडी की एयर है वो बाहर निकल ही नहीं पा रही है, वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, बॉडी भी ऑक्सीजन लेती और देती है ना, तो आपने कवर कर दिया, तो उस वजह से भी बुखार 104 105 हो सकता है, और वो कई बार सिर में चला जाता है और फिर वहाँ पर बच्चे को झटके आने लग सकते हैं, एकदम से बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है, आँखें पलट जाती हैं, टंग बाइट हो जाती है, या कई बार यहाँ से झाग निकलने लगता है मुँह से इस तरह से, या फिर टॉनिक क्लोनिक स्पाज्म आ सकता है, ये जो हाथ दिख रहे हो आप इस तरह से, या इस तरह से, या पैर इस तरह से पूरे मुड़ जाएंगे, बॉडी का कोई भी एक पार्ट टेढ़ा हो जाएगा, या एकदम से बच्चा गिर जाएगा, तो इसे आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, मैं आज बात कर रही हूँ कि फीवर के दौरान, बच्चों में फीवर के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बताई हैं, इनका कंसर्न आप हमेशा रखें, चाहे वो कोई भी वेदर हो या कोई भी फेज़ हो। अभी COVID-19 का फेज़ है तो भी आपने पूरा ध्यान रखना है। COVID-19 में थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सिम्टम भी साथ में हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को खांसी हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, उसकी सांसें तेज तेज चल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर निमोनिया का भी फीचर देखने मिलता है, तो आप ये ज़रूर देखें। COVID-19 में आपको गले में भारीपन नहीं मिलेगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस नहीं मिलेगी, क्योंकि लैरिंग्स इन्वॉल्व नहीं होता। जो अदर इन्फेक्शियस फीवर है, जिन्हें हम वायरल या बैक्टीरियल फीवर कहते हैं, वहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पर हॉर्सनेस रहती, गले में भारीपन रहेगा, खराश रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कफ कोल्ड के साथ सांस में दिक्कत मिल सकती है, एब्डोमिनल ब्रीथ मिल सकती है, निमोनिया है यहाँ पर पेशेंट को, और बच्चों को कई बार अगर निमोनिया हुआ है तो फिर फीवर वो बढ़ता हुआ चला जाता है। अदरवाइज कोविड का भी जो फीवर है वो 199, 101, 102 के बीच में ही रहता है, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आना चाहिए। अब इसके बाद डॉक्टर के पास रश करने का, जैसा कि मैंने आपको कहा, कब रश करना है, जब 100 से ऊपर फीवर बना हुआ है, जा ही नहीं रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट आप घर पर कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, उनसे जानकारी लेकर। अब डाइट क्या होना चाहिए बच्चों का, जब बुखार आता है तो कई सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं खा रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम नॉर्मल लोग भी, हम तो बड़े लोग हैं जिन्हें पता है कि खाना खाना है चाहिए, बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। जब हमें फीवर आता है तो हम भी खाना नहीं खा पाते, है ना, ऐसा होता है ना कि फीवर आया और हमने बिल्कुल पहले ही खाना खाना छोड़ दिया, तो वो तो बच्चे हैं, बॉडी में कुछ अनयूजुअल हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें, अनकंफर्टेबल है, तो वो खाना खाना अगर छोड़ देते हैं तो ये नॉर्मल हो सकता है 1 से 2 दिन। इसके लिए आप दूसरी चीज़ें, जैसे बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। फीवर जब बॉडी में आता है तो ये क्या शो करता है कि कोई फॉरेन बॉडी अंदर में है, जिसके लिए हमारी बॉडी फाइट कर रही है, हमारी बॉडी फाइट करती है बुखार से और शरीर से, इसीलिए फिर ये फीवर आता है। तो आप देख रहे हो कि बॉडी को फाइट करना पड़ रहा है, तो हमें हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब बच्चे एक बार में बहुत सारा पानी तो नहीं पी सकते हमारी तरह कि 2 ग्लास 4 ग्लास 10 ग्लास पिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर छोटा बच्चा है 6 महीने साल भर का, या साल भर से लेकर 3 साल 5 साल के बच्चे हैं, तो फ्रेंड्स आप वहाँ पर उन्हें सिप बाय सिप
नॉर्मल जो वाटर है वो दे सकते हैं आप, वो पानी दे सकते हैं, साथ में कोकोनट वाटर अगर मिल जाता है अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा रहता है, नारियल का पानी उसे आप थोड़ा सिप बाय सिप पिला सकते हैं। इसके अलावा घर में आप सूप बना लो, टोमेटो सूप बना सकते हो या मिक्स वेजिटेबल सूप बना करके 4-5 चम्मच अगर हर आधे एक घंटे में इस तरह से पिलाएंगे तो उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। कई लोग ट्राई करते हैं बार बार दूध पिलाने की, तो प्लीज़ आप दूध की जगह ये सब चीज़ें थोड़ा फ्लेवर वाली भी रहती हैं, टेस्टी भी रहती हैं। बच्चा अगर मीठा खा रहा है तो शुगर वाला ऐड करके या सॉल्टी पसंद कर रहा है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा फ्लेवर का करके बच्चे खाते हैं, अगर टेस्ट अपन चेंज कर दें तो। ये चीज़ें आप करके बच्चे को 2 से 3 दिन तक उसे हेल्दी रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा अपने आप उसकी एपेटाइट जो भूख है वो बढ़ जाएगी और प्रॉपर खाना खाने लग जाएगा। ये तो रही डाइट की बात। अब बात करते हैं कि अगर बुखार है तो और किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी बच्चे को फीवर आए तो आपने उसके टेम्परेचर को मॉनिटर करते हुए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि थर्मामीटर में कैसी कैसी रीडिंग आती है, अगर 100, 101 या 102 बुखार है तो आप उसको स्पॉन्ज कर सकते हो। स्पॉन्ज क्या होता है? गीले कपड़े से शरीर को पोंछना। अब वो किस पानी से करते हैं, ये भी एक मिथ यहाँ पर जो चलता है कि ठंडे पानी से करना है, फ्रिज के पानी से करना है, तो नो, फ्रिज के पानी से बिल्कुल नहीं करना है, साधारण पानी से करना है, जो टैप वाटर होता है, नल का निकला हुआ पानी, या तो उससे करें आप, या हल्का गुनगुना पानी। यस, दिस इज़ वेरी साइंटिफिक और प्रूवन है। आप इस पानी से बच्चे की हल्की हल्की स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, शरीर पोंछ सकते हैं उससे। इससे क्या होगा कि उसको बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने नहीं पाएगा, है ना, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो एक तो वो उसको ब्रेन फीवर से बच जाएगा, मेनिंजाइटिस या इस तरह के झटके आने से बच जाएगा वो, दूसरा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो बच्चा थोड़ा सा कंफर्ट फील करेगा। तो आप स्पंज कर सकते हो, बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा करके उसे लाइट कपड़े पहनाइए। बहुत ज़्यादा खूब सारे कपड़े, स्वेटर पहनाना इस तरह लोग कर रहे हैं, ये गलत होता है, इसको ऐसा नहीं करना, ना बहुत सारा कवर करके रखना है। आप लाइट फैन अगर वो चाह रहा है तो हल्का फैन चला करके उसके लूज कपड़े करके आराम से लेटा के रखिए बच्चे को, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है। नहाने के लिए जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, तो अगर बच्चे की इच्छा हो रही है, वो नहाना चाह रहा है, तो आप बिल्कुल नहला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप स्पंज कर दें, उससे भी उसको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे कई बार लेथार्जिक हैं, एक्टिव नहीं हो रहे हैं, आप ज़बरदस्ती नहलाने के लिए लेके जा रहे हो तो वो परेशान होते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं नहलाना है, बच्चे को बुखार आया है, चुपचाप उसको गर्म कपड़े में रखो, तो ये भी गलत है। आप उसको स्पंज करिए, मुंह हाथ उसके अच्छे से धो दीजिए, आप वो नहाना चाहे तो आप नहला भी सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो 6 मंथ के हैं या फिर वो साल भर के हैं, उनके साथ थोड़ा दिक्कत होती है, वो रोते बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके साथ जो सिचुएशन है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उन बच्चों के साथ स्पॉन्ज करके आप कोशिश करें उन्हें कैरी करके रखने की, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मदर या फादर जो भी फैमिली में है पेरेंट, वो उनको टाइम दें, उनको अपने पास लेकर रखें, तो उन्हें बड़ा सूदिंग लगता है और कहीं ना कहीं उनका जो रोना है वो कम हो जाता है, इरिटेशन कम होता है, आपका भी इरिटेशन कम होता है। इस तरह से हमें बच्चों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ फीवर, और किसी भी चेंज ऑफ वेदर में जब बच्चों को बुखार आए आप इस तरह से उनकी केयर करिए फ्रेंड्स, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपने बच्चों को बहुत हेल्दी, बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।